After 11 months of being offline, it's time to go live. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's your time. It's dead, bro. तो आज रात को 9:30 बजे एपिक गेम्स अपना फर्स्ट मिस्ट्री गेम रिवील करेंगे और उससे रिवील होता देखेंगे हम सब अपने स्ट्रीम में जो 8 बजे शुरू हो जाएगी, तो ट्यून इन फॉर दैट। तो स्टार्टिंग में हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं और अब एक नया सर्वाइवल सर्वर स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें और भी मजा आ रहा है गेम खेलने में तो वील जस्ट कंटिन्यू प्लेइंग या फिर वील एक्चुअली चेक आउट द न्यू गेम विच हैज बीन रिवील्ड। वील जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा होना है वैसा होगा एंड दिस थिंग इज गारंटीड कि हमें बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर 8 PM। तो वो टाइम आ गया वापस साल का December 15th, 2022। एपिक गेम्स शायद 4 साल से ऑलमोस्ट December 15th से लेकर 31st December तक हर दिन एक नया गेम फ्री करते हैं। लास्ट ईयर हमें टोम रेडर की पूरी ट्रिलॉजी मिली थी और कंट्रोल वापस मिला था। जिन लोगों ने पहले मिस कर दिया होगा उन्हें कंट्रोल वापस मिलने को खेलने को मिला था और इस बार मैंने थोड़ी सी लाइक थ्योरीज देखी है क्या आने वाली है एंड लाइक 2 गेम्स है जिसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। एक था डूम 2016 और उसके बाद दूसरा गेम है मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन जो लाइक पूरी ट्रिलॉजी है 3 गेम्स की और एक और ट्रिलॉजी है कॉल्ड डेड स्पेस। अभी बस हमारी थ्योरीज हैं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट गेम्स आर गोना कम। अगर लीक ना हो तो वी आर स्टिल गोना एंजॉय दैट मिस्ट्री एंड यू आर गोना एंजॉय इट विद मी। तो बिना किसी देरी के स्ट्रीम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक 100 मेंबर्स तक नहीं पहुंचा। हम ऑलमोस्ट हर दिन बात करते हैं सर्वर पे और इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लाइक 2020 और जो इतने सारे मेंबर्स हैं ओजी इंक्लूडिंग समरवीर, परम, ब्लेडरिम, नोरा, ऑफलाइन, कार्तिक कुलकर्णी और योटवीर, और अभी लाइक लास्ट वीक में 2-3 जने और ज्वाइन हुए जो कि अभी इतने एक्टिव नहीं है लेकिन आई थिंक इट टेक्स सम यूज टू गेटिंग कॉम्फी। लेकिन अगर आप अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन नहीं हो तो इट इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन राइट नाउ बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग और मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है एंगेजमेंट करने का बिकॉज आई गेट टू नो एवरीवन लाइक इन पर्सन जो कि लाइव स्ट्रीम में पॉसिबल नहीं होता था। तो इट इज डेफिनेटली अ प्लस इफ यू ज्वाइन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रीम। तो कल की स्ट्रीम में बहुत मजे आए थे, मैं ना एपिक गेम्स के उस पे गया ठीक है और फिर मैं ना VPN पे क्लिक करता हूं। आई विल बिकम अमेरिकन फॉर लाइक 5 सेकंड्स टिल आई प्लेस माय ऑर्डर इन US डॉलर्स। या इन US डॉलर्स ऑफ कोर्स। द इंटरनेट सक्स हियर मैन। What the hell? Abner reverse to said es un problema mi creco no se I have Google Lens. और आज 16th December 2022 में जो गेम आने वाला है इट हैज बीन लीक्ड, शायद क्योंकि मैंने कुछ लीक्स देखे हैं और उसके हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 दिया है स्टीम ने उस गेम को और 94% रिव्यू है। मैं बता नहीं रहा कौन सा गेम है, आई गेस चैट में बताई देगा कोई लेटर ऑन, लेकिन देयर माइट बी अ गुड चांस दैट वी आर गेटिंग एक्चुअली अ गुड गेम दिस टाइम अनलाइक कल वाला जो गेम था जो कि मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन इट वॉज सो बैड मैन। तो होपफुली इस बार हमें मोबाइल गेम की लेवल का गेम ना मिले इस बार ठीक है, तो लेट्स होप फॉर दैट और बिना किसी देरी के स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं एंड वी आर लाइव। वेलकम लेट ओपी। मजा कर रहा हूँ, एडिटेड वीडियो है ये, मैंने घंटों पहले रिकॉर्ड किया था। तो कल की स्ट्रीम में परसों की स्ट्रीम से भी ज्यादा मजा आया था। मुर्गे चला जाए यहाँ से। अरे खुल, अरे कहाँ है हमने फोर्टनाइट खेला था शुरू में जिसमें हमें शुरुआत में मिस्टर बीस्ट की स्किन वाला इनसे एक प्लेयर मिला था और प्रॉब्लम ये है कि मेरा गेम थोड़ा सा लोड स्लो होता है जब मैं स्ट्रीम कर रहा होता हूँ तो अगर जो प्लेयर जिसका पहले लोड हो चुका है अगर वो स्टार्ट कर देना गेम को मेरे लोड होने से पहले तो मैं लोड होने के बाद भी नहीं खेल सकता। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लोड हमेशा लेट हो रहा था और जो मिस्टर बीस्ट वाला प्लेयर था जो नया आया था वो बार बार स्टार्ट करे जा रहा था मैच और इतना फनी रिएक्शन था ना मैच रहा Very rich. अरे मिस्टर बीस्ट भैया, ओ मिस्टर बीस्ट भैया नहीं करना था चालू, एक बंदा नीचे रह गया उसको ऊपर कैसे लाना है ये भी बता दो आप। वो देखो गरीब बेचारा, मेरा खिलौना ले लो यार कोई। कितने का दिया भैया आपने? मैं पोस्ट करता हूँ आपको फिर देखते क्या होता है भाई। अरे रुक जा मेरे भाई, क्या इसको कितनी जल्दी है चालू करने की। मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ यूनिवर्स में कहीं और ही हो तुम लोग। मिस्टर बीस्ट अगर तूने एक और बार क्यों एंटर करवाना होता है यार, एक गरीब बेचारा लोड नहीं होता है समझा करो, आंखें नहीं खुलती उसकी। और उसके बाद हमने माइनक्राफ्ट भी खेला था और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन आज का टॉपिक जो है याद रखना 17 दिसंबर 2022 आज एक नया गेम और आएगा एपिक गेम्स में और वो गेम भी लाइक वही है कि ट्रिपल ए तो नहीं है, इंडी है लेकिन बुरा नहीं है, 9/10 मिला है स्टीम में, तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और हो सकता है मल्टीप्लेयर भी लग रहा है मेरे को, मैं अभी बताऊंगा नहीं कौन सा है लेकिन इट माइट बी समथिंग यू वांट टू क्लेम। तो उसका वेट करने के लिए 9:30 तक वेट करते हैं हम अभी मिलके क्योंकि स्ट्रीम शुरू हो चुकी है एंड लेट्स एक्चुअली कंटिन्यू द live stream।
शेख सीड थी मेरे को शेख दिस इज वेरी मोटिवेटिंग यू शुड ऑलवेज प्लांट सीड्स शेख हमें रिच बनाएगा उसने बोला ओह नाइस ओके देयर इज अ स्केलेटन बाय 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 यस ब्रो वी हैव आवर एंड्रू टेट हे भगवान साइफर मरना मत कम सी आई किल्ड दैट बिच अरे भाई ऊपर एक और भाई दो है दो है दो है दो है दो है भागो अरे चल जा भाग भाग चल चल We are getting rich now with Sheikh. पता कैसे करते हैं अमीर? भाई फ्री का पैसा। हाँ, आउच। अरे कौन मार रहा है मेरे को? क्यों मार रहा है तू? लड़ो मत। तेरा आयरन हेलमेट किसका है? वो आयरन हेलमेट लो भाई। अरे रुक जा। मेरा सामान वापस दे पहले क्या अमीर बना रहा था तू और तूने हमारा पैसा ले लिया सारा और अमीरी सारी कहां गई है सामान दे सामान दे हमारा पैसा दे वापस रिफंड भाई ज़ाइफ़र अपन ने गलत इन्वेस्टमेंट किया एंड वी शुड जस्ट कट आवर लॉसेस एंड गेट आउट ऑफ हियर भाई देख इसलिए अपन को ना ऐसे ये क्रिपो माय गॉड मेरे को ना और कुछ नहीं चाहिए बेयर मिनिमम चाहिए तू कॉर्पोरेट ओवरलॉर्ड है मैं समझता हूँ लेकिन मैं होमलेस हूँ ठीक है तू नहीं बनाया मैं एक्चुअली ये बंदा तो रिच है ये बंदा रिच कराया मेरे को भाई तू गोल्ड गिर की तरह की बात कर रहा है भाई मैं मरा भाई मैं भरा भाई भाई मैं ओ ओ ओ अरे वो एरो कहाँ घुसा भाई वेरी अनफॉर्चुनेट अगर आपको भी हमारे माइनक्राफ्ट सर्वर में खेलना है तो ऑल यू हैव टू डू इज जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर डाउन बिलो और जो सर्वर की एक्चुअल आईपी है यू कैन आस्क इट इन द चैट और इन द डिस्कॉर्ड चैट एंड समवन विल प्रोवाइड इट टू यू एंड देन आफ्टर गेटिंग यू व्हाइटलिस्टेड यू आर एबल टू प्ले एंड अपन मिलके ये वर्ल्ड बनाते हैं और बिना किसी देरी के स्ट्रीम कंटिन्यू करते हैं हर एपिक गेम्स की स्ट्रीम पे ना यही होता है पता है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ लोडिंग देन अनदर आवर ऑफ लोडिंग देन क्लीनिंग द गेम एंड देन जस्ट सेइंग कि गेम इज एब्सोल्युटली डॉग शिट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम और पूरा सर्वर आ गया भाई सर्वर आ गया भाई ओ, और मेरा कुछ भी लोड नहीं हो रहा भाई तो पता मैं कूद नहीं सकता मेरे पास देखते ना भाई एक्शन तो वहाँ हो रहा है मुझे सिर्फ डेथ स्ट्रैंडिंग चाहिए बिकॉज आई वॉज सो मेजमराइज बाय द ट्रेलर्स और उसके जो अनाउंसमेंट ट्रेलर्स थे इतने सारे एज यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ दिस गेम लुक्ड फैसिनेटिंग और ऑफ कोर्स मेरे वन ऑफ माय फेवरेट डेवलपर्स कोजीमा हिडियो कोजीमा डेवलपर था इसके पीछे विच हू इज ऑल्सो द डेवलपर ऑफ द मेटल गियर सॉलिड सीरीज तो आई न्यू दैट ये गेम जो मेरे को मिलने वाला जो न्यू आईपी आने वाली है इस दुनिया में इट्स गोइंग टू डिलीवर टू दिस प्रॉमिस और ये प्रॉमिस इतना अजीब था कि आई डोंट इवन नो व्हाट आई वाज गेटिंग बट आई नो दैट इट लुक्ड रियलिस्टिक इट हैड गुड एनिमेशंस एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट हैड अ यूनिक गेम प्ले एंड इट हैपेंड मैंने लिटरल डे वन खेलना शुरू किया इस गेम को फर्स्ट के फ्यू आवर्स आप जानते हो बस वॉक करना होता है पानी के ऊपर एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है एक बहुत सुंदर सी एक सिटी दिखती है इट लुक्स कंप्लीटली अबैंडनड लेकिन समहाउ ऐसा लगता है कि लोग रह चुके हैं बिकॉज वेल मेंटेन्ड दैट ऑरा दैट लिमिनल स्पेसेस इन दैट एरिया और ऐसे ये कुछ घंटे कुछ दिन बन गए और कुछ दिन कुछ हफ्ते एंड चलते चलते दोस बिकेम मंथ्स और मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ गए एंड टर्न्स आउट आई वाज स्टिल प्लेइंग दैट गेम मुझे अभी मेमोरी है बस बैठना डेथ स्ट्रैंडिंग में एज सैम प्लेइंग विद ल्यू और उस स्क्रीन को मैं ऐसे छोड़ देता था लिटरल घंटों तक एंड आई वुड स्टडी फॉर द एग्जाम्स व्हिच आर कमिंग लेकिन गेम चलता रहता था एंड आई कुड हियर द एंबियंस इन माय हेडफोन्स व्हाइल आई स्टडीड एंड इससे अच्छा मैं इन द मोमेंट कभी हुआ नहीं एंड ऑल थैंक्स टू दिस गेम तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि दिस गेम मेड मी पास माय 12th ग्रेड विद 96% और उसके बाद शायद मैंने इस गेम को ऑलमोस्ट 3 बार फिनिश किया है लेकिन नन फेल्ट लाइक द फर्स्ट टाइम एवर वापस इट्स वन ऑफ दोस गेम्स व्हिच आई वांट कि मैं अपनी मेमोरी इरेज करके वापस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर पाऊँ बाय द वे यू मस्ट हैव नोटिस्ड माय मेकअप टिल नाउ ये मेरी मदर ने ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया है मेरा फेस आर्ट बोलते हैं एंड इट्स बेस्ड ऑन द DS2 ट्रेलर जिसमें उन्होंने दिखाए थे इस टाइप का फेस आर्ट मोर लाइक ब्लैक टीयर्स तो उसके ऊपर बेस करके मैंने ये फेस आर्ट
बनवाया एंड लुक्स रियली कूल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी कैसे मैंने वो पोस्ट डाला है उसके रिलेटेड। और इस पूरे वीडियो एंड शैल ऐसे स्ट्रीम का पॉइंट ये है कि दिस गेम डेथ स्ट्रैंडिंग इज गोइंग फ्री टू नाइट एट 9:30 PM। तो ज्वाइन मी व्हाइल आई वेट till like 1.5 hours for this amazing game to come out for free for all. तो बिना किसी देरी के स्ट्रीम चालू करते हैं। तो आज से 2 साल पहले मैंने साइबरपंक 2077 पर वीडियो बनाई थी। There you go, साइबरपंक 2077। उस टाइम वो गेम बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं था, लिटरली ग्लिचेस बग्स पूरे उस गेम को प्ले कर रखे थे। लेकिन अब 2 साल बाद सीडी प्रोजेक्ट रेड ने बहुत हद तक साइबरपंक को फिक्स कर दिया है और मेरे को लगता है आज इस स्ट्रीम में हमें ज्यादा ग्लिचेस और बग्स नहीं मिलेंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस गेम को फॉर व्हाट इट्स स्टोरी इज एंड व्हाट इट्स कैरेक्टर्स ब्रिंग। तो ये मेरे साथ जानने के लिए स्ट्रीम को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बिना किसी तरीके स्ट्रीम शुरू करते हैं।